हल्द्वानी में एक शिक्षिका ने जहरीला पदार्थ खाकर जान दे दी। उन्होंने दीदी और सहेली को फ़ोन किया और बताया कि ससुरालियों की प्रताड़ना से तंग आकर जहर खा लिया है, मेरे बेटे का ख्याल रखना। पुलिस के मुताबिक धार बिठौरिया हरिपुर नायक निवासी गीतांजलि देवपा, उम्र 26 साल, पुत्र मनोहर सिंह देवपा की शादी 2 वर्ष पहले मल्ला लोहरिया साल मुखानी निवासी अभिनव मेहरा से हुई थी। दोनों का 1.5 साल का बेटा है। गीतांजलि निजी स्कूल में अंग्रेजी पढ़ाती थी। सोमवार को वो स्कूल गई और साक्षी टीचर से अपना दर्द साझा किया। यहां से बहन दीक्षा के घर पहुंची, वहां से पति को कई फ़ोन किए लेकिन जवाब नहीं मिलने पर वो बहन के घर से चली गई। करीब 3:45 बजे गीतांजलि का फ़ोन आने पर उसकी सहेली कार से अपने दोस्त के साथ फतेहपुर के जंगल पहुंची तो वो बेसुध मिली। गीतांजलि को अस्पताल ले जाया गया जहां देर रात उसकी मौत हो गई। एसएसपी पंकज भट्ट ने बताया कि तहरीर मिलने पर केस दर्ज होगा। चारधाम मंदिर फतेहपुर के पास जंगल में जहर खाने वाली शिक्षिका गीतांजलि ने अपनी दीदी और सहेली को फ़ोन कर इसकी जानकारी दी तो दोनों को विश्वास ही नहीं हुआ। गीतांजलि ने अपनी बहन और अपनी सहेली से कहा कि उसके ससुरालियों की प्रताड़ना से तंग आकर जहर खा लिया है, अब उसके बेटे का ख्याल रखना, उसे कोई कमी मत होने देना। बहन दीक्षा और सहेली के आंसू थम नहीं रहे हैं। बहन दीक्षा ने बताया कि गीतांजलि ने जहर खाने से पहले अपने पति अभिनव मेहरा को कई मैसेज भेजे थे। उसने व्हाट्सएप मैसेज के जरिए पति को समझाने का भी प्रयास किया। ये भी कहा कि वो जहर खाकर जान दे रही है। जहर की शीशी की फोटो तक उसने व्हाट्सएप की। दीक्षा के अनुसार अभिनव ने मैसेज देखे लेकिन जवाब नहीं दिया। बहन दीक्षा ने बताया कि वे 3 भाई बहन हैं। सबसे छोटी गीतांजलि थी। सभी की शादी हो चुकी है। भाई सेना में मेजर है, इस समय मणिपुर में तैनात है। पहाड़ की यादें, कुमाऊनी किस्से, हमारी संस्कृति, अनेक वन संपदा, अनेक पक्षी और पुराने दिन, इन सबको दिखाता है ये यूट्यूब चैनल। आइए इस चैनल से जुड़े जिसका नाम है झूठे व्लॉग। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।